वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज अर्ज़ा खान। और आज मेरा कोई व्लॉग करने का दिल नहीं था, लेकिन मैं जैसे ही होशियारिया के मेकअप रूम में एंटर हुई हूँ, मेरी तो दुनिया बदल गई, मेरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आपको लग रहा होगा कि शायद ये वही मेकअप रूम है, लेकिन नो, दिस इज नॉट द सेम मेकअप रूम। और इसका पता मैं आपको पूरा टूर देके इसका नजारा मैं आपको पूरे टूर में करवाती हूँ। आए जरा, तुम्हारी दुनिया बदलने वाली है। मेकअप रूम एकदम बदल गया है, यक्सर चेंज हो गया है। और वो आप वो भी कर लेना, वो आपको बताऊंगा सेगमेंट। ठीक है, डन हो गया। हाय, कितनी प्यारी लग रही हो। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी पहले मुझसे मिलो सही तरह। क्या हाल है टीको ना? ये लड़की, अच्छा, ये औरत मुझसे गले नहीं मिलती। और मुझे बहुत एतराज है इस बात से कि इसने जितनी भी हगियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ जीशान भाई के लिए छोड़ी हुई है। क्यों, आखिर क्यों? हम जीशान भाई से कम है क्या? जाहिर है यार, मतलब कम इन अ सेंस कि उसका हक तो है, लेकिन दोस्तों का भी तो हक होता है यार। दोस्तों का भी तो पपियों का हक होता है, नहीं होता क्या? दोस्तों का बस ऐसे वाला होता है, इससे बढ़के जो है ना वो नहीं होती। मुझे कबूल नहीं है। अच्छा सुनो मेरी बात, मेकअप रूम एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका है और मेरी तो अंदर जाके जिंदगी बदल गई है। हाँ, मैं जाके देखना चाहूँ, वो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और साथ साथ आज हमने क्या करना है कि हमारा जो पॉडकास्ट अपलोड हुआ था उस पे जो कमेंट्स आए हुए, आज हमने उन पे रिएक्ट करना है। डन हो गया। वैसे अच्छे कमेंट्स हैं, वैसे बुरे नहीं है। अच्छे कमेंट्स हैं तो यही करेंगे ना, जो एक दो बीच में गंदे कीड़े हैं भी उनकी सफाई करेंगे, ऐसे कर देंगे। बट डन हो गया जी। ठीक है, मैं मेकअप रूम जाऊँ, आप मेरे साथ आओगी ना? मैं दूसरी तरफ से कैमरा करती हूँ, एक सेकेंड। यक्सर मुख्तलिफ, चार सीटें हो गई हैं। हाँ, सेलिब्रिटीज वाली फील आएगी। एग्जैक्टली। और यार ये इस तरफ से इधर आने के बाद एकदम खुला हो गया है। हो गया, तुम लाइटें देखो यार। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा तुम्हारी डेजिग्नेटेड सीट कौन सी? मेरी ये लास्ट वाली, यही सीट है। हाँ ये वाली। अपने दर्शकों को बताती चलो कि ये वाली सीट इसलिए है क्योंकि तुम एक चवल औरत हो। मैं एक चवल औरत हूँ। अगर कोई बंदा आके तुम्हारी सीट पे बैठ भी जाए तो तुम्हारा इतना गंदा मुंह बनता है, तुम इतना जज करती हो, तुम अपनी सीट किसी को देती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बेड की जिस साइड पे सोती हो तुम वहाँ किसी और को सोने नहीं देती हो। बेड नहीं है, और ये मेरे गंदे से खुस्से पता नहीं कब से यहाँ पड़े हुए, इनको कोई फेंक दो यार। ये क्या अजीब सा ये कर रहे हैं माहौल यहाँ पे क्रिएट। अच्छा ये तस्वीर वहीं की वहीं है। ये वाली कैबिनेट भी बेहतर हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इतना गंद सारा लगता था। वेरी नाइस यार, मुझे आज वाइब आ रही है, तैयार होने की वाइब आ रही है। सही बात है। ओके जी, हम तो ऐसे ही अभी घर वाले हुलिये में आए हैं। आज मैं पहनूंगी एक ब्लैक कलर का काफ्तान। यार मैं आज ब्लैक कलर का एक काफ्तान लाई हूँ। ये देखो नायमा, इसको खोलो। आ गए, चलो गुड। किसे खोलना? रशीद भाई भी आ गए हैं ब्लॉग में। दिखाओ इसको, खोलो, मतलब वो करो। हाँ उल्टा है। आपकी कौन सा ड्रेस है वो भी निकालो। और ये लाला को दे भी दें प्रेस करने के लिए। हमारे यहाँ पे जितने भी सारे कपड़े वो लाला फिर हमें प्रेस करके देते हैं। अच्छा जी, मुझे लगता है कि ये ना पहनकर स्टाइल करके ये अच्छा लगेगा, है ना? क्या इसको प्रेस करने की जरूरत है या नहीं? नहीं है ना, इसको ऐसे पड़ा है ना, उसमें इसमें हैंग करके इधर ही रहने दो, इसे लाला को भी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने अभी कल ही बाय किया। हाय अर्शला, चलो आओ चलें फिर लड़की। हम जरा मुंह हाथ धोकर आते हैं गाइस। हाथ तो धो लेते हैं, लेकिन पहले मेरा ड्रेस देख लो ना। हाँ दिखाओ, चलो दिखाओ, मेरा व्लॉग भी बन रहा है। आज जनाब हम करेंगे। यार मेरी स्किन अच्छी लग रही है इस लाइट में, पता नहीं उस लाइट में कोई मसला होता था। और मेरी बात सुनो। हाँ, वो वाला, वो कौन से फैशन शोज होते हैं रैंप वॉक वाले? ब्राइडल कुटूर वीक वाले मेकअप रूम से लग रही है। हाँ वाकई लग रहे हैं यार, वाकई लग रहे हैं। या मेरी स्किन बेहतर लग रही है यहाँ, मुझे नहीं पता। लाइट्स भी चेंज हुई हैं, ज्यादा हुई हैं। गुड,
पीछे जो है ना ये इसी में गोल, तुम कुछ चलें जी अब आरजू की पुरजोर फरमाइश पे हम यहाँ व्लॉग को रोक रहे हैं, वरना मैं आपके साथ सच जो है वो हमेशा शेयर करती हूँ, लेकिन आरजू जो है वो सच नहीं दिखाना चाहती। तो सच की राह में कुछ लोग रुकावट भी होते हैं, लेकिन हम इनको आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लेकर आएंगे कि ये सच छुपाना जो है छोड़ दें, और सच छुपाना छोड़ दें, हाँ यही कहना था। अच्छा चले अब मैं जरा उसकी शक्ल देख लें जरा। अच्छा ओके, सो दिस इज माय टुडेज लुक एंड आई थिंक आई लुक प्रीटी फाइन। और लाइट चली गई, सब हम वेट करेंगे लाइट आ जाए। ये भी होता है सेट पे, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा क्योंकि बहरिया टाउन में लाइट जाती है। हल्की फुल्की लाइट आ गई है और आरजू भी आ गई है। वाह आरजू, आरजू वी लुक प्रीटी प्रीटी या। अच्छा आई रियलाइज्ड कि या क्वीन, आई रियलाइज्ड कि हम ज्यादा पिक्चर्स नहीं लेते साथ में, लेनी चाहिए। यस पिक्चर्स, वी नीड मोर पिक्चर्स, वी नीड मोर पिक्चर्स। कभी किसी की बर्थडे हो तो पोस्ट करने के लिए पिक्चर ही नहीं मिलती, तो हम एक दूसरे से पूछ रहे थे यार जरा पिक तो सेंड करें, सेंड पिक डियर, नाइस पिक डियर। बारी वर्षी खटन गया सी खटकले आंदे जुती जो। अच्छा कमेंट कमेंट, सो क्या कमेंट्स है हमारे पॉडकास्ट पे जी? सबसे पहले तो जो कमेंट आया है वो है रऊफ 8093 का, जो कहते हैं वंडरफुल, वाह। तो हम इनको कहेंगे थैंक्स विद 47 अदर्स डियर्स, विद 12k अदर्स, 12k व्यूज हो गए ना। अच्छा जी दूसरा है जी दाऊद रजा, वेरी वेरी गुड, नेक्स्ट एपिसोड माँ प्लीज इनवाइट मलाइका फ्रॉम होशियारिया। ओके मलाइका को भी कभी हम जरूर इनवाइट करेंगे, एक्चुअली वो एक फिल्म स्टार है तो उनके पास टाइम जरा कम होता उनके पास। आपको क्यों लगता है कि मलाइका हमें मुंह लगाएगी पॉडकास्ट? ऑफ कोर्स शी इज अ फिल्म स्टार, शी अ बिजी गर्ल, शी अ बिजी गर्ल। अच्छा उसके अलावा है रविंदर कुमार, वेरी गुड पॉडकास्ट इर्जा और आरजू बेटा, थैंक यू सो मच रविंदर साहब, बहुत अच्छा अंकल आप बहुत क्यूट हैं, बहुत स्वीट और दो दिल भी बनाए हैं साथ। अच्छा जी अब महमूद खालिद कहते हैं नाइस कंटेंट, तो मैं उनको भी यही कहूंगी फीलिंग वेरी गुड एंड थैंक्स डियर विद 12k अदर्स, 12k अदर्स। अच्छा जी ये तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, एट जैक सेवन कहते हैं कि जिशान भाई का पहला इंटरव्यू करना चाहिए था, वो एक स्पेशल ओकेजन पे होगा, उसका मैंने रिप्लाई भी किया है कि वो स्पेशल ओकेजन हो सकता है जी हमारी एनिवर्सरी या फिर वैलेंटाइंस डे स्पेशल एपिसोड रखेंगे। एक और कमेंट है शहबाज अहमद का कि हारून साहब के साथ पॉडकास्ट कब आ रहा है, तो वो आएगा कल यानी कि ट्यूजडे को रात 8 बजे, देखना मत भूलिएगा इर्जा खान के चैनल पर इर्जा खान पॉडकास्ट। इसके अलावा है जी हमारे पास जक्रम 0901, मोटा होना भी खूबसूरती की निशानी है एज लॉन्ग हेल्दी, इर्जा खान इज डैशिंग गर्ल विद ट्रेमेंडस पोटेंशियल्स, आरजू इज अ लिटिल सेल्फ कॉन्शियस इवन पोजेस अ स्प्लेंडेड ब्यूटी एंड लोड ऑफ टैलेंट, कीप अप द गुड वर्क, यू टू टुगेदर कुड बी सलीम अल बलाई एंड गोगा पसरूरी ऑन फीमेल साइड एंड डॉलर्स विल फॉलो। ओह माय गॉड, वी वांट डॉलर्स टू फॉलो। एक सेकेंड, लेकिन तुम सेल्फ कॉन्शियस हो, That is complete BS. ऐसा कुछ नहीं है डार्लिंग, है ना? नहीं है, ये सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, हाँ सेल्फ सेंटर्ड जरूर है। इस बात का क्या मतलब था? इस औरत जितनी, इस ये औरत जो है इसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इसके लिए मैंने इतनी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं मैंने जिंदगी में, जब छोड़ के चली जाऊंगी ना तो याद करेगी यार, कोई इसको तो झुक कर। अच्छा जी नेक्स्ट कमेंट इज असगर अली, लड़कियों खुश रहो, होश रहो, होश, आप बहुत अच्छी गॉफ गॉफ करती हो, आरजू आयशा जहां देव की सिस्टर लगती हैं, लेकिन मुझे चलो लगता। बहुत अच्छी खातून है लेकिन मैं सिस्टर फ्रॉम अनदर मिस्टर, यस बट शी इज नॉट माय टीचर्स, में बहुत ज्यादा डिफरेंस है आरजू के और आयशा के। अच्छा जी बहुत शोधी कुड़ियां होगी दोवे, हैगी दोवे स्पेशली आरजू फातिमा, ये आई थिंक कोई इंग्लिश है जो हमें नहीं पता, होगी दोवन। इर्जा जी आप भी बहुत प्यारी हो लेकिन आपकी तो शादी हो गई है, बात आरजू से करवा दो यार, ये चीज रिश्ते चाहिए मुझे। आरजू इज नॉट लुकिंग फॉर रिश्ता राइट नाउ डियर, आरजू इज सिंगल एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड इंडिपेंडेंट। और बीच में वरुण को कॉल आ रही है, हम नंबर बता देते हैं, चलो वो कॉल ही चली, कॉल मिस हो गई है। अच्छा जी आपके राजपूत कहते हैं पॉडकास्ट बहुत अच्छा था पर थोड़ी बोल्ड क्वेश्चंस भी करें, बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू पॉडकास्ट। रुक जाओ
बोल्ड क्वेश्चंस करके जब आप लोगों की तरफ से ही व्यू भी आ जाता है, फिर बैकलैश भी आ जाता है, फिर कैंसिल कल्चर भी ना कहीं बीच में ही फिक्स हो जाता है, तो कहा भाई मारो मुझे मारो पॉडकास्ट ऐसी गालां खान से शुरू नहीं होता है, ठीक है। जदों साडे च इन्ना तप्पड़ होवेगा कि ऐसी गालां बर्दाश्त करके तानू भी गालां दे सकिए, उस वेले असी एहो जे बोल्ड क्वेश्चंस करांगे। अच्छा जी, मैंने इस चवल फर्स्ट पॉडकास्ट आज तक नहीं देखी, अजीब चवलियां। अच्छा, ये है साद मलिक 8400। अच्छा सोने, सबसे पहले तो बात ये है, यू डोंट लाइक इट यू स्क्रोल। वालेकुम अस्सलाम, आपको हम नहीं पसंद तो आप बाड़ में जाओ भाई। अच्छा जी, इसके बाद है ग्रांट वेलकम बाय इंडिया फॉर पाक टीम, बीसीसीआई डील रिकॉर्ड शेयर ऑफ मीडिया राइट्स फ्रॉम आईसीसी ऑफ $3.2 million फॉर 2024। ये मेरे ऊपर से गुजर गया है, ऊपर से गुजर गया, नजर ही नहीं आया। लाइट फिर बंद कर दिया इन्होंने, बिल्कुल ही बंद, दोबारा चलने लगी है। दानिश साहब लाइट ही नहीं चला रहे, मेरा ब्लॉग खराब कर रहे हैं यार, ये दिखा दो सर। दानिश साहब तो मीना ने कमेंट कर पागल कर दिया। मीना के बारे में कुछ बोलिए। मीना एक बहुत अच्छी फैन है मेरी भी, और होशियारियां की इससे भी बढ़ के आपकी है, बस आप ही की फैन है, मेरी फैन है मीना। और मीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतना फॉलो करती हैं, थैंक यू। अच्छा मीना मेरे पीछे पड़ गई है कि ना नाले साहब के साथ पॉडकास्ट करो, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर इस पे 1 मिलियन व्यूज अगर मीना तुम्हारी वजह से ही ना आए बस, तो फिर तुम देखना। मीना के लिए और कुछ ये मैं बता दूं, 1 मिलियन आने नहीं वाले। अगर मीना 24/7 वो लगाए रखे आ जाएंगे। मीना अगर तुम चाहती हो कि ये पॉडकास्ट शो, तो सिर्फ आपने अगले कई दिन हमारा शो देखना, हमारी वो पॉडकास्ट शो नहीं, पॉडकास्ट देखना है, पॉडकास्ट देखते रहनी है। ठीक है, हिट क्लिक्स कहते हैं, इर्जा मैम यू आर वेरी टैलेंटेड एंड आरजू मैम आल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस, गॉड ब्लेस यू बोथ, थैंक यू सो मच। ये है ये, अबे क्या हो रहा है ये, आरजू जहर लगती है हाँ, और खास तौर पर टीथ्स का गैप। यार तूने तो फिल करवा लिया था। मैंने तो फिल करवा लिया, जाने को कहाँ से नजर आ रहा है। डू यू थिंक आई गिव, तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये पूरा बीड इसका नकली है, इसके दांत है ही नहीं। वट एवर शी सेइंग, ठीक है, मैं तो वैसे ही सेल्फ सेंटर्ड हूँ, इतना मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है, जो ये कह रही है सही कह रही है। इर्जा होशियारियां प्रोग्राम में टीवी ऑडियंस को वाया कॉल ऐड किया करें, ये देखिए ये डिसाइड करने वाले हम नहीं है, वो सामने हारून रफीक साहब खड़े हैं, ये बात वो ही बताएंगे। हारून रफीक साहब से भी बात करते हैं। हारून साहब अगर आपके पास वक्त हो तो जरा इधर आइएगा जी। अच्छा ये बड़ा अच्छा मुझे कमेंट, यार बस कर दो। मरियम खावर 5941 कहती है, आई यूजुअली डोंट वॉच पॉडकास्ट बट दिस आई वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। Watched from the beginning to the end with curiosity initially and then eventually cherished and enjoyed every word from both of you talented duo close pals. You both made it worth watching and listening, especially where you mentioned sharing the personal life as a content, and that's kind of quite rubbish and boring too. This must be addressed actually, that influencing must come through the content and that too novel and creative. Thanks for the wonderful watch, love you both. Sir, एक सेकंड को कोई मैसेज आ रहा है कि सर फोन कर दें घर में, बाहर खड़ा हूँ तो यहाँ पे हमें रोकना पड़ेगा, बल्कि आप ये मुझे दे दें। हारून साहब वो क्या कमेंट आया था, कोई कमेंट कर रहा है फैन के वीडियो कॉल्स के जरिए आप लोग फैंस को लिया करें होशियारियां में, क्या ये कभी हम कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? होशियारियां में वीडियो कॉल्स नहीं, हम ये तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपके कमेंट्स और ये चीजें, हाँ ये हो सकता है कि अगर आप अपनी वीडियोस बना के हमें भेज दें हाँ, तो उसको हम उसमें जैसे हम कमेंट सेक्शन लेते हैं उसी तरह से हम वीडियो मैसेजेस कर सकें, ये हो सकता है यार, नाइस आइडिया। और बिस्किट्स आ चुके हैं तो ये हम चोरी करेंगे, साथ साथ लोग पूछ रहे हैं कि वो पॉडकास्ट अच्छा वो लोग पूछ रहे हैं कि पॉडकास्ट कब आ रहा है, तो पॉडकास्ट तो कल आ रहा है रात 8 बजे, तो आप उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दें और बताएं लोगों को कि वो उन्हें क्यों देखना चाहिए। बाय फार मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं उनमें वो बातें नहीं की जो मैंने इस पॉडकास्ट में की हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि जितना मजा मुझे इस पॉडकास्ट का आया है, मुझे किसी इंटरव्यू का, किसी पॉडकास्ट का, किस चीज का मजा थैंक यू अरुण साहब, थैंक यू, हम आपके बिस्किट्स खाएंगे।
खवातीन हज़रात, बहुत अहम खबर। गोगा पस्तूरी ने बयान दिया है कि वो सलीम साहब के साथ वीडियोस कर करके तंग आ चुके हैं। उनका बेसिक मकसद सिर्फ एक गाड़ी लेना था, वो गाड़ी उनके पास आ चुकी है। वो कुछ दिन में सलीम अलबेला साहब को छोड़ देंगे और मेरे साथ वीडियोस बनाने का सिलसिला शुरू कर देंगे। ये खबर सबसे पहले आपको दी है मैंने। मैं कौन हूँ? मरहूम अहमद बिलाल। मैं मरहूम अहमद बिलाल हूँ। धड़न धड़न धड़न। और इसी बात पर गोगा पसूरी का क्या मौकफ है वो जानने के लिए हम गोगा पसूरी के पास चलेंगे। गोगा पसूरी, बताइए क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप सलीम अलबेला को छोड़ के मरहूम अहमद बिलाल के साथ यूट्यूब चैनल पर काम करने वाले हैं? खबरनामे वाली इस पर जानेंगे कि सलीम अलबेला क्या कहते हैं। सलीम अलबेला, आपका गोगा जो है वो अब मरहूम का साथी बनने वाला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो ना, जिंदगी में कोई ना कोई किसी का साथी है ना, वो साथी बनेगा लेकिन काम मेरे साथ ही करेगा। और इस पर आप क्या कहेंगे? भाजी, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। ये देखो, ये शख्स बैठ के यहाँ पर टिकटॉक देख रहा है। हद नहीं होगी, बंद करें, मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। ओह माय गॉड। और ये शख्स यहाँ बैठ के सो रहा है। वाह आवाज, आप करिए तो तीन तीन घंटे मेकअप लगा सोफे में फैले हुए हैं आप पूरे। भाई आप इतनी इतनी देर मेकअप लगाएंगी तो हमने तो डाल ही होना। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आगा साहब ने आपको पॉडकास्ट का टाइम दिया है, तो मैं उन्हें क्या बताऊं? क्या आगा साहब से लारे ते रंडे रहन कवारे? रंडे नहीं होते, मुंडे रहन। अच्छा, ओके, रंडा होने की को बताएं फिर कब दे रहे हैं टाइम? वो नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में? अभी तो सिटकॉम शुरू हो जाएगा ना। नो प्रॉब्लम, दूसरी कर लेंगे सिटकॉम में। हाँ, इस तरह का भी वैसे कुछ प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सच्ची बात है। हाँ, माहौल बना होगा। ठीक है, बल्कि बाहर आउटडोर में कर सकते हैं। यस, चले किसी दिन में वहाँ छापा मारूंगी और उधर ही कर लेंगे। ओके ओके, डन। आप भी कर रही हैं? मैं क्या मतलब, मैं भी कर रही हूँ। मैंने एक कर भी लिया, आपने देखा नहीं, आपने मुझे व्यू नहीं दिया। उसमें गेस्ट रोल आप कर रहे हैं क्या? गेस्ट रोल? गेस्ट रोल मेरा थोड़ी होगा, वो तो जो गेस्ट आएगा उसको होगा ना। नहीं नहीं नहीं, आप है सलीम साहब, आपने भी टाइम देना है। इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। हाँ जी, और मेरा ना ये नहीं है, खाली खुली वाला पॉडकास्ट नहीं है। इसमें ये है कि मैं जब आऊंगी तो साथ में मेरे लिए खाना भी बनेगा। हाँ अच्छा, अगर मैं वहाँ फार्म हाउस पे करूंगी तो फिर खाना तो नहीं हो सकेगा ना आगा साहब? मकसद फिर उनसे आप लेना। नहीं, मैंने आपके घर आना है ना आगा साहब? नहीं, मैं मेरा घर तो नहीं ना वो शो करना, वो तो फार्म हाउस। नहीं आगा साहब, मैं आपके घर पे ही आके करूंगी। मैं खिला दूंगा खाना, मैं खिला दूंगा। मैंने आलू गोश्त और चावल मेरे साथ वादे हुए हैं। आलू गोश्त कहाँ से दूंगा? नहीं तो मैं आपके घर आऊंगी ना आगा साहब। मेरे घर है। हाँ बस ठीक है। अच्छा, आप भी अपना मेन्यू बता दें। आप जो चाहेंगी तो आपको बस मैं आपको भेज दूंगी लिख के, आपने वो बनवा लेना भाभी से। ठीक है? नहीं, मुझे भाभी से मिलने का भी शौक है ना कि आखिर वो इनके साथ कैसे गुजारा कर रही है इतने कंजूस आदमी के साथ। वो बेचारी बहुत दुखी दास्तान है ये। अल्लाह तियां देवे तो ना दे नसीब अच्छे। सलीम वर्गे ना टकरन होना नु। ताड़ी थी तो सौखी है। या। चलें जी, ये दोनों आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे मेरे पॉडकास्ट पर, सो स्टे ट्यून्ड। बल्कि एक और बात, वो तो मैं बताने ही भूल गई कि आगा साहब ने भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है आगा माजिद ऑफिशियल के नाम से। उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करें। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द इनके भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। आमीन आमीन। गुड लक एंड बेस्ट विशेस आगा साहब। थैंक यू। थोड़ी व्लॉग बना के कर ले। हाँ ना सलीम साहब, ये लें। चलो गाओ। और तो कुछ किया नहीं जिंदगी में हमारे लिए, ये तो करो। नूर आ गया है नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुम से वजह मिल गई है बड़ी बे। खराब कर दिया है भाई। है भाई, बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है भाई। ओके जी, तो अब रिमेनिंग शो शुरू होने लगा है, तो अब हम शो एंजॉय करेंगे। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय करना है, और कल आप लोगों ने हारून साहब वाला पॉडकास्ट अपलोड हो रहा है तो वो एंजॉय करना है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे।